एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन किट खरीदेगी सरकार। और आपको बता दें कि मेडिसिन किट पर 13,62,00,000 रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये किट खरीदी जाएगी और किट में पेट दर्द, बुखार और चोट लगने में उपयोग होने वाली तमाम दवाइयाँ मौजूद होंगी और इसी के साथ पट्टे भी मौजूद रहेंगे। बड़े आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1500, छोटे केंद्रों के लिए 700 यहाँ पर जो अमाउंट है वो तय किया गया है। 2022 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण दो की गाइडलाइन में इसके निर्देश दिए गए हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मेडिसिन किट अब सरकार खरीदेगी और आपको बता दें कि मेडिसिन किट से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होगा और इसी के साथ सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है कि कितना इस पर खर्च करना है राशि। और आपको ये भी बताते चले कि किट में पेट दर्द, बुखार और चोट लगने समेत कई ऐसी दवाइयाँ जो है इस तमाम किट में मौजूद रहने वाली है। बड़े आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1500, छोटे केंद्रों के लिए 700 यहाँ पर किट खरीदे जाएंगे। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से अब सरकार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मेडिसिन किट खरीदेगी, क्या जानकारी और क्या कौन कौन सी दवाइयां इस किट में उपलब्ध होंगी? बिल्कुल, देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों के पास 16 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की योजनाएं संचालित करने का जिम्मा होता है और यही वजह है कि उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर होती है और यही वजह है कि सरकार ने अब मेडिकल किट, जो इमरजेंसी मेडिकल किट है, वो खरीदने का फैसला किया है। प्राथमिक तौर पर पहले भी ORS के घोल और दूसरी दवाएं जो है वो सरकार पहले से आंगनबाड़ी केंद्रों पर देती आई है, लेकिन अब नए तरीके से एक मेडिकल किट खरीदी जाएगी जिसमें प्राथमिक उपचार के साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियां जैसे सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, इन छोटी मोटी तकलीफ जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है, ऐसी दिक्कतों के लिए दवाइयां उसमें रहेंगी। और आबादी के हिसाब से अलग अलग आंगनबाड़ियों में अलग अलग जो किट है वो भेजी जाएगी। तो ये सरकार की एक बड़ी योजना है। इससे न सिर्फ आसपास के सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का लोड कम होगा बल्कि लोगों को भी स्थानीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा मिल सकेगा जिसकी वजह से लोग जो है उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए बेहद खास है। लेकिन ब्रिजेश, अगर बात कर ली जाए कि सरकार जो है इस पूरे किट पर कितना खर्च करने वाली है? देखिए 2100 करोड़ रुपए इस पूरी किट के लिए खर्च होने हैं। हालांकि आंगनबाड़ी का बजट जो है वो 18,000 करोड़ का है, लेकिन बड़ी आंगनबाड़ियों में 1500 करोड़ और छोटी आंगनबाड़ियों में लगभग जो है वो 650 करोड़ की ये किट खरीदी जानी है। जो बड़े शहर है वहां पर तो मोहल्ला क्लिनिक चलता है तरनो, लेकिन छोटे शहरों की बात करें तो वहां मोहल्ले में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों को दूर करके प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो है वो दवा इस किट के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहती है सरकार। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में आने वाले समय में जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलियत। ब्रिजेश बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करूं।